आए चलते हैं आगे, मैं आपको सारा सोसाइटी का विजिट करवाता हूँ गाड़ी के अंदर ही, और जो सेक्टर थंडर ब्लॉक का बी है उसकी जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल्डिंग इसकी कब होनी है, जो उसके डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं, वो क्या खबरें हैं, सारी वो मैं खबरें मैं आपको उधर जाकर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ मुंसर करिएगा। हमारी शिकायत है इनसे कि यार कम से कम आप अपने लोगों को ही सिर्फ मराहत न दें, दूसरे लोगों के पैसे हैं, उनका करोड़ या उनका कोई लाख, छोटा लाख नहीं था, एक ही लाख होता है दोनों का। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हाफिज सुहेब अहमद हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल अपनी जायदाद पे। मैं आज विजिट करवाने आया हूँ आपको फगाई हाउसिंग स्कीम गुजरावाला का। मैं इस वक्त मेन एंट्रेंस गेट के अंदर इंटर हो चुका हूँ, ये अराउंड बोर्ड है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो जो इसका मेन गेट बाहर था वो उन्होंने वहां से उखाड़ दिया, अब वो आगे लगा रहे हैं, मैं जाके वो भी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद जो सेक्टर बी या सी या थंडर ब्लॉक है, जो नई बिल्डिंग हुई है उसकी जो लोकेशन है आज मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा विजिट, ठीक है। तो मैं मान चाहता हूँ आपको तकरीबन डेढ़ महीना होगा मैंने आपको कोई वीडियो नहीं बना के दिखाई, तो आए चलते हैं फगाई हाउसिंग का विजिट करते हैं। जी ये इसका रोल नोट है, जो आपका फ्रंट गेट था वो देखे वो लगा रहे हैं आप। बहुत सारे मेरे दोस्त क्लाइंट मेरे इन्वेस्टर परेशान थे, यार इसका फ्रंट गेट किधर गया, तो क्या कुछ किया, सोसाइटी बंद हो गई है, बैन हो गई है। मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ, बस अपना गेट वहां से उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। मैं आपको बाहर जाके सारे का सारा इसका व्यू करवाता हूँ, ठीक है जी। ये आपका वो मेन एंट्रेंस गेट है जो जीटी रोड के ऊपर वहां बना हुआ था, ठीक है, आप देख रहे हैं वही है सारा मटेरियल, आप चेक करेगा ये सारा मटेरियल वही है, वो आपका उसका लोगो लगा हुआ है इधर, ये है। नीचे में खड्डे किए थे तकरीबन कोई 10-10 फीट के खड्डे थे, तो इन्होंने अपना ये मस्जिद के करीब ये एंट्रेंस गेट लगाया है। अब जो मेन एंट्रेंस गेट था जीटी रोड के, तो वो अब कैसा होगा, अब उनका नया डिजाइन इस्लामाबाद से जो उनका हेडक्वार्टर वहां से मंजूर होकर वो आएगा, अब उसके मुताबिक वो बनाया जाएगा, ठीक है। ये हरक्रॉस ब्लॉक का ये मेन एंट्रेंस गेट था, तो आए चलते हैं आगे, मैं आपको सारा सोसाइटी का विजिट करवाता हूँ गाड़ी के अंदर ही, और जो सेक्टर थंडर ब्लॉक का बी है उसकी जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल्डिंग इसकी कब होनी है, जो उसके डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं, वो क्या खबरें हैं, सारी वो मैं खबरें मैं आपको उधर जाकर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ मुंसर करिएगा। जी ये इसकी मेन बुलेवार्ड है, मैं जा रहा हूँ अब आपको सेक्टर बी में लेके। ये आप देख रहे हैं मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तैयार की, ये आप देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपका इधर कमर्शियल है सारे का सारा, हरकुलस ब्लॉक का ये कमर्शियल है, वो बन भी रहा है, आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। ये इसका आप देख रहे हैं कमर्शियल है जो तैयार हो रहा है, तो ये सारी का सारी पट्टी कमर्शियल की पट्टी है, और उसके बाद ये मेन पे कनाल की कटिंग है। ये हरकुलस ब्लॉक मैं आपको सिर्फ विजिट करवा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो अब जैसे ही इसका आगे थंडर ब्लॉक शुरू होगा तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये अब आगे इसका शुरू हो गया, ये थंडर ब्लॉक देख रहे हैं, ये सबसे पहले जिस तरह उसका राउंड बोर्ड आता है ना हरक्रॉस ब्लॉक का, इसी तरह इसका भी ये हरक्रॉस ब्लॉक ही आया हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसका, ये जनाब इसका थंडर ब्लॉक में हम इंटर हो चुके हैं, ये राउंड बोर्ड है, जिस तरह हरक्रॉस ब्लॉक का राउंड बोर्ड था इस तरह ये भी है। वो आपको नजर आ रहे हैं आगे, वो इसके विलाज है, 5-5 मंदिर के विलाज है, यही आपने मेरा कैमरा मैन आपको, ये मेन बुलेवार्ड है जो आगे स्काई बोल्ड ब्लॉक जिसकी बिल्डिंग हुई है, जो पीएफ के कोटे के लोग हैं उनकी स्काई बोल्ड ब्लॉक है, उनकी यहाँ पे बिल्डिंग हुई है, उनके प्लाट आ गए हैं। उसके बाद ईगल ब्लॉक है वो भी आगे है, वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आपसे भी आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो आए चलते हैं आगे, ये आप देख रहे हो विलाज है थंडर ब्लॉक के कैमरा मैन आपको दिखाए, वो विलाज देखे आप, ये सारे के सारे उसके विलाज है थंडर ब्लॉक के 5-5 मरले के आगे। यही जो है अब इसके ऑपोजिट ये आ रहा जो ब्लॉक है जहाँ पे मशीनरी खड़ी है, ये स्काई बोल्ड ब्लॉक है जहाँ पे 10 मरले की कटिंग है और एक कनाल की कटिंग है, ठीक है। आप नक्शे के ऊपर भी देख सकेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। मेन बुलेवार्ड हरक्रॉस को थंडर और स्काई बोल्ड ब्लॉक को यही मेन बुलेवार्ड कनेक्ट करेगी। आगे उन्होंने सारी जमीन परचेज कर ली हुई है, वो मैं भी आपको जाकर दिखाता हूँ, उधर भी मशीनरी काम कर रही होगी, तो चलते हैं जाके चेक करते हैं। जब आप थंडर ब्लॉक को क्रॉस करते हैं ना तो बाई तरफ आप 20-25 फुट गहरे आपको प्लाट नजर आते हैं, गहरे प्लाट कैमरा में आपको दिखाया, तो बाहर जाके देखें तो इस तरह इस एरिया में जिन लोगों के प्लाट आ चुके हैं अब अल्लाह खैर कर उनके रेट बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, यानी कि इधर आप आपको 5 मरल का जो प्लाट है वो आपको 20-22 लाख का मिलेगा, गहरे प्लाट है। जो 10 मरल का प्लाट है वो आपको 35 का, 32 का, 30 का, 37 का उसका रेट चल रहा है। तो ये लोगों की किस्मत है जिनके छिलकेशन के हैं उनका 50-50 लाख का प्लाट भी है, और जिनके छिलकेशन का प्लाट नहीं है उनका 30 लाख का प्लाट भी है। यहाँ पे स्काई बोर्ड और थंडर ब्लॉक बिल्कुल मुकम्मल खत्म हो चुका है। अब आप ये सामने देखें तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये सारे का सारा ईगल ब्लॉक का एरिया है,
जो आपने मेरी नई वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, ये वो एरिया जहाँ पे इन्होंने नई जमीन परचेज की है। नई जमीन परचेज करके इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट की, देखे आप देख रहे हैं सारी के सारी नई डेवलपमेंट है यहाँ पे, हर चीज नई है। देखे ये इन्होंने अभी परचेजिंग की है, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं आहिस्ता, सब तकरीबन कोई साल भी लगा देंगे, जितनी इनकी तेज रफ्तार है ना उस हिसाब से देखें तो ये साल लगा देंगे, साल बाद ये आप लोगों के प्लाट की अच्छी वर्थ होगी। तो ये चीज है। अब जो बेल्टिंग है, बेल्टिंग में आपको ये बता सकता हूँ कि ये लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो अभी तक कोई पता नहीं कि ये आपको कब इसकी बेल्टिंग करवाएंगे। सिविलियन के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं। हमारी शिकायत है इनसे कि यार कम से कम आप अपने लोगों को ही सिर्फ मराहत न दें, दूसरे लोगों के पैसे हैं, उनका करोड़ या उनका कोई लाख, छोटा लाख नहीं होता, एक ही लाख होता है दोनों का। तो मतलब ये है कि आप अपने लोगों को सहूलियात हर चीज दे रहे हैं, खुश कर रहे हैं, जो सिविलियन बेचारे हैं उनका आप कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग भी मैंने करनी है, जो उनकी नई टीम आई है इस्लामाबाद से, वो उनका ऑडियो वगैरह कर रही है। तो अल्लाह पाक करम करे आप सिविलियन लोगों के ऊपर आपकी सुनी जाए। तो ये जनाब इनका सारा मैंने आपको डेवलपमेंट दिखा दी, आप चेक कर ले। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ मुझसे रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।